नमस्कार, मेरा नाम पिंटू मालाकार है। क्या आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर का जो गुणा होता है प्रोडक्ट वो कितना होगा? नेचुरल नंबर 1 × 2 × 3 × इसके लिए सीरीज ले देंगे P1। ऊपर सब ऑड नंबर होंगे, नीचे सब इवन नंबर, ये इन्फिनिटी तक होगा। अब इसको हम देखेंगे कि 3 × 3, 3 × 2 = 6, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 14 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, मतलब कि ऊपर सब कट जाएंगे, ऊपर सब एक रह जाएगा, जैसे कि इसमें 1, 1, 1, और जो बचा वो यहाँ पे 1/4, 1/2, 1/8, 1/2, 1/12 ऐसे बचेंगे। अब देखो ऊपर एक एक है, उसका भाग हम इन्फिनिटी से दे रहे हैं, तो ये लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो है इक्वेशन 1 और ये 2, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये देखो ऐड करने पर इक्वेशन 1 हमारा ये है, इक्वेशन 2 हमारा ये है, इसको ऐड करेंगे तो ये इधर ऐसे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया और ये नंबर वैसे ही का वैसे ही बाकी सब। अब देखो ये जो है इसको हम इवन नंबर और नंबर अलग कर लेंगे, इवन ऑड अलग हो गया और ये पहले का था ये ऑड। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये बटे में ऐसे ही। अब इधर आइए, अब इनसे कॉमन हम ले लेंगे ऑड नंबर, ऑड नंबर की जो सीरीज है ये वाली और एक ये वाली, ये हम कॉमन ले लेंगे, ये बाहर कॉमन ले लिया। अभी देखो ये जो है हमारा P1 की तरह है, P1 की तरह, P1 हमारा सीरीज ये था, ये है P1, हम इसकी जगह P1 लिख दिए और बाकी सब वैसे ही। अब ये जो है P1 इधर, इसको हम उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम P1 कॉमन ले लेंगे, P1 कॉमन ले लिया, फिर इसका ऐसे हम P1 की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे लगभग 0 के बराबर। और हम इक्वेशन 3 यहाँ से हमने निकाला है, इक्वेशन 3। अब किसी नंबर को 0 से गुणा करने पर वो 0 हो जाता है, तो ये जो पी है, पी की जो वैल्यू, और पी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, तो पी की वैल्यू लगभग 0 के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट है लगभग 0 के बराबर हो गया। वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ये हम यहाँ पे नेचुरल, एक बार ये फिर से समझ लो, एक को हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, उनका गुणा करके तब डिवाइड करेंगे, तो जो एक है वो लगभग 0 के बराबर आ जाएगा P1।